एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को आईएमडीबी ने 5/10 में से रेटिंग दिया, और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया, और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन, और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कॉबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पारामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए, और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में, और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में, और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में, और माइकल पीना एज एंसेल एरेगन के रोल में, और जेसी विलियम्स एज सेन एरोंस के रोल में, और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में, और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में, और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में, और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में, और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जैनिटर के रोल में, और डी के मैटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में, और डस्टिन इनग्रैम एज जर्सी के रोल में, और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में, और माइकल एंथोनी एज विस्कोन्सिन के रोल में, और लव एज अम्पायर के रोल में, और डैन बिलेंसन एज एम एस स्क्वीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड, एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है, तो वह अपने दोस्त बर्जर, लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहाँ वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का पहाड़े का प्रमुख
सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है। लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़े। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और औदरन वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में अंटल एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वोक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगे और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स एबी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दी और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल जोस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन, और इस मूवी में स्टोरी दी है क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कोबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फोंग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पैरामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पैरामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एनसेल आरगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स
विथ हर स्पून एज लेजी के रोल में, केजी कार्टिस एज बिग मैक के रोल में, और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में, और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में, और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में, और डस्टिन इंग्राम एज जर्सी के रोल में, और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में, और माइकल एंथोनी एज विस्कॉन्सिन के रोल में, और लव एज अम्पायर के रोल में, और डैन विल्सन एज एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटी चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहां वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़े। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। XP-0 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स एबी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहे और आप इस वीडियो को देखते रहे। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5
10 में से रेटिंग दिया और इसे 3.5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्चमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्चमैन, और इस मूवी में स्टोरी दी है क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कॉबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फोंग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पैरामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पैरामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में, और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में, और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में, और माइकल पीना एज एंसेल एरेगन के रोल में, और जेसी विलियम्स एज सेन एरोंस के रोल में, और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में, और एबी जेम्स विथरस्पून एज लेजी के रोल में, और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में, और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में, और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जैनिटर के रोल में, और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में, और डस्टिन इंग्राम एज जर्सी के रोल में, और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में, और माइकल एंथोनी एज विस्कोन्सिन के रोल में, और लव एज अम्पायर के रोल में, और डैन बिलेंसन एज एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर, लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहाँ वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चूमता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। XP जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वोक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है, और ट्राइडेंट
660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्चमैन स्क्रीन पे दिए क्रिस्टोफर एल जोस, जॉस कॉन्सबर्ग हेनरी जोस एरियल स्कल्चमैन और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल जोस और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन वॉल्कर स्कॉबेल जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स मोमेन हैमना चैरल मेल्टन माइकल पीना और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स जेरी ब्रुकहेमर फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए पैरामाउंट प्लस और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल आरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मेल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जैनिटर के रोल में और डी के मैटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इनग्रैम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एस विस्कोन्सिन के रोल में और लव एस अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एस एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है जहां वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक
गेजर का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और औदरण वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन, वॉकर स्कोबेल, मोमेन तामडा, किस एल विलियम्स, ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन, और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कोबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन थामडा, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पैरामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए पैरामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल आरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मेल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मैटकल्फ एज
कोच हैमर को रोल मॉडल, डस्टिन इंग्राम एज जर्सी के रोल मॉडल, केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीनिया के रोल मॉडल, माइकल एंथोनी एज विस्कॉन्सिन के रोल मॉडल, लव एज अम्पायर के रोल मॉडल, डैन विल्सन एज एम एस क्वीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहाँ वे जैक की भूमिगत खो को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का वहाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्जर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। XP-0 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्प ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स AB जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट
एरियल स्कल स्कल्टमैन स्क्रीनप्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस जॉस कॉन्सबर्ग हेनरी जोस एरियल स्कल्टमैन और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन वॉल्कर स्कॉबेल जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स वोमेन हैमना चैरल मेल्टन माइकल पीना और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फोंग एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पारामाउंट पिक्चर्स जेरी ब्रुकहेमर फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए पारामाउंट प्लस और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल एरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेन एरोंस के रोल में और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इनग्रैम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एज विस्कॉन्सिन के रोल में और लव एज अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एज एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है जहां वे जैक की भूमिगत खो को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पारामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वोक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियस सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगे और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांटा जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्जमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्जमैन और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कोबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए पैरामाउंट प्लस और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एनसेल आरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मेल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इंग्राम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एस विस्कोन्सिन के रोल में और लव एस अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एस एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है जहां वे जैक की भूमिगत खो को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों
साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़े। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अधरन वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, इसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वोक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है। और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगे और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांटा जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहे। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रिप्ट दिए क्रिस्टोफर एल जोस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन, और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल जोस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कोबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए पैरामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एनसेल आरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मेल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इनग्रैम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एस विस्कोन्सिन के रोल में और लव लव एस अम्पायर के रोल में और डैन
बिल जेनसन एज एमएस क्वीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहाँ वे जैक की भूमिगत खो को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गमगन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चूमता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। XP-0 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वोक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगे और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स एबी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन और इस मूवी में स्टोरी दी है क्रिस्टोफर एल योस और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर,
चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ओन विल्सन, वॉल्कर स्कॉबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है पारामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुक हेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए, और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में, और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में, और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में, और माइकल पीना एज एंसेल एरेगन के रोल में, और जेसी विलियम्स एज सेन एरोंस के रोल में, और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में, और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में, और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में, और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में, और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनरेटर के रोल में, और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में, और डस्टिन इनग्राम एज जर्सी के रोल में, और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में, और माइकल एंथोनी एज विस्कॉन्सिन के रोल में, और लव एज अम्पायर के रोल में, और डैन बिलेंसन एज एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड, एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर, लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहाँ वे जैक की भूमिगत खो को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चूमता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पारामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वोक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है, और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियस सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी, और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट
को इन वर्ड्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मूक फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहे। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीनप्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कोबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन थैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पारामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए पारामाउंट प्लस और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल आरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मेल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मैटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इनग्राम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एस विस्कोन्सिन के रोल में और लव एस अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एस एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहां वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजनाओं के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ
नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़े। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और उससे इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है। और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियस सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन, वॉकर स्कोबेल, मोमेन तामडा, किस एल विलियम्स, ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन पे दिए क्रिस्टोफर एल योस्ट, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस्ट और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कोबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन थैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पैरामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया पैरामाउंट प्लस और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल आरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इनग्राम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एस विस्कोन्सिन के रोल में और लव एस अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एस MS स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस
करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर, लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहाँ वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजनाओं के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़े। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और उससे इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। XP जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियस सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगे और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मूक फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन, वॉकर स्कोबेल, मोमेन तामडा, किस एल विलियम्स, एबी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहे। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन और इस मूवी में स्टोरी दी है क्रिस्टोफर एल योस और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कोबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल प
पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक किए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पारामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुक हेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए, और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में, और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में, और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में, और माइकल पीना एज एंसेल आरगन के रोल में, और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में, और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में, और एबी जेम्स विथरस्पून एज लेजी के रोल में, और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में, और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में, और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में, और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में, और डस्टिन इनग्राम एज जर्सी के रोल में, और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में, और माइकल एंथोनी एज विस्कोन्सिन के रोल में, और लव एज अम्पायर के रोल में, और डैन बिलेंसन एज एम एस स्क्वीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड, एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहां वे जैक की भूमिगत खो को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजनाओं के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़े। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पारामाउंट प्लस पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन है। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, इसे कैलिफोर्निया में एंटाइल मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है, और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियस सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी, और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्ग्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे।
मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मूक फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहे और आप इस वीडियो को देखते रहे। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दी और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन, और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कॉबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फोंग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पारामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया पारामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल एरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इंग्राम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एस विस्कोन्सिन के रोल में और लव एस अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एस एमएस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर, लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहां वे जैक की भूमिगत खो को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल के माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें।
तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और उससे इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, इसे कैलिफोर्निया में अंटल एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वोक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है। और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 2021 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहे और आप इस वीडियो को देखते रहे। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल जोस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन, और इस मूवी में स्टोरी दी है क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कॉबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फोंग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पैरामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पैरामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एनसेल आरगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेंट एरोंस के रोल में और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जेनिटर के रोल में और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इंग्राम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एज विस्कोन्सिन के रोल में और लव एज अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एज MS स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे
चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक कील चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर, लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहाँ वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजनाओं के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्जर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़े। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। XP-0 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन, वॉकर स्कोबेल, मोमेन तामडा, किस एल विलियम्स, एबी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहे और आप इस वीडियो को देखते रहे। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दिया और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्टमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्टमैन, और इस मूवी में स्टोरी दी है क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कॉबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फोंग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स,
जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पैरामाउंट प्लस। और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को एरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल एरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेन एरोंस के रोल में और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जैनिटर के रोल में और डी के मेटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इंग्राम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एज विस्कॉन्सिन के रोल में और लव एज अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एज एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटी चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है जहाँ वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और औदरण वाहन हैं। XP जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूक एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है जिसे कैलिफोर्निया में एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्फ ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन वॉकर स्कोबेल मोमेन तामडा किस एल विलियम्स
एबी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्रेट हेडक्वार्टर्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स की, और इस मूवी को IMDb ने 5/10 में से रेटिंग दी और इसे 3/5 में से कॉमन सेंस ने रेटिंग दिया और इसे 44% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हेनरी जोस्ट, एरियल स्कल्चमैन, स्क्रीन प्ले दिए क्रिस्टोफर एल योस, जॉस कॉन्सबर्ग, हेनरी जोस, एरियल स्कल्चमैन, और इस मूवी में स्टोरी दिए क्रिस्टोफर एल योस, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जेरी ब्रुकहेमर, चैड ओमैन और ऑर्ली रोज स्टोरस, और इस मूवी के स्टारिंग ऑन विल्सन, वॉल्कर स्कॉबेल, जेसी विलियम्स और केथी एल विलियम्स, मोमेन हैमना, चैरल मेल्टन, माइकल पीना, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लैरी फॉन्ग, एडिट किए जॉर्जरी प्लॉटकिन, म्यूजिक दिए लॉर्डन बॉल्फ, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है पारामाउंट पिक्चर्स, जेरी ब्रुकहेमर फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए पारामाउंट प्लस, और ये मूवी 8 अगस्त 2022 को अरलिंगटन में रिलीज हुई और 12 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में वॉल्ट स्कोबेल एज चार्ली कैनकेड के रोल में नजर आए और ओन विल्सन एज जैक निकैड के रोल में और केथ एल विलियम्स एज बर्गर के रोल में और मोमोन टैमाडा एज माया मॉनरी के रोल में और माइकल पीना एज एंसेल आरेगन के रोल में और जेसी विलियम्स एज सेन एरोंस के रोल में और चार्ली मिल्टन एज हवाई के रोल में और एबी जेम्स विदरस्पून एज लेजी के रोल में और केजी कर्टिस एज बिग मैक के रोल में और जेसी मॉइलर एज लिली क्रिकेट के रोल में और लूसियस बैस्टन एज जेरी द जैनिटर के रोल में और डी के मैटकल्फ एज कोच हैमर के रोल में और डस्टिन इनग्रैम एज जर्सी के रोल में और केवी लेवी ट्रेन एज वर्जीना के रोल में और माइकल एंथोनी एस विस्कोन्सिन के रोल में और लव एस अम्पायर के रोल में और डैन बिलेंसन एस एम एस स्क्रीन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैक कैनकेड द गॉड एक सुपर हीरो जिसने अपनी शक्तियों का वारिस करने और दुनिया को बचाने के लिए एक विदेशी कलाकृति द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके नायक कर्तव्यों के कारण वह अपने बेटे चार्ली के लिए अपने माता पिता के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। उनके बीच एक किल चला रहा है। जब चार्ली अपने जन्मदिन के लिए जैक के घर पर रहता है तो वह अपने दोस्त बर्जर लीजी और माया को आमंत्रित करता है, जहां वे जैक की भूमिगत खोह को ढूंढते हैं और उसकी गुप्त पहचान का पता लगाते हैं। इस बीच एंसल आर्गन नाम का एक हथियार CIO अपनी खुद की भयावह योजना के लिए द गार्ड की शक्ति स्रोत का उपयोग करना चाहता है। बच्चों द्वारा जैक की गैजेट का उपयोग करने के बाद ऑर्गन का भाड़े का प्रमुख सीन आयरन शक्ति स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने टीम को लाता है। बच्चे वापस लड़ते हैं और जैक समय पर पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब बर्जर स्कूल में अपने लॉकर से जुड़े पोर्टल को माध्यम से श्रोता भेजता है तो ऑर्गन अपना सूट पाने के लिए जैक के एक गैजेट का उपयोग करता है और स्रोतों को खोजने के लिए बर्गर का अपहरण करता है। चार्ली वापस लड़ने के लिए अपने स्वयं के गैजेट प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों साथ अपने साथ ही आयरन का नेतृत्व करता है। तस्लीम स्कूल नृत्य के दौरान होता है। चार्ली के साथ एक पोर्टल के माध्यम से एक ग्रेनेड के साथ दूसरे आयाम में ऑर्गन को भेजने के साथ समाप्त होता है। यह माया के साथ नृत्य करता है और उसे चुनता है। चार्ली जैक के साथ जुड़ा जाता है ताकि वे एक साथ अपराध से लड़ें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्रीमियर 8 अगस्त 2022 को वर्जीनिया के एलिंगटन में सिग्नेचर थिएटर में हुआ और उसे
इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को पारामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में कई भविष्यवादी और अवधारण वाहन हैं। एक्सपी जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसे वाहन डिजाइनर ह्यूग एक्सेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कैलिफोर्निया में अंटल एंटाइल्ड मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित किया गया है। पहचान वॉक्सफोन समूह द्वारा निर्मित बज इलेक्ट्रिक वैन है। ID4 इलेक्ट्रिक छोटी SUV वैक्सवेगन समूह द्वारा निर्मित है। और ट्राइडेंट 660 मोटरसाइकिल ट्रैम्प ऑफ मोटरसाइकिल द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की घोषणा 6 मई 2021 को की गई थी, जब यह बताया गया था कि हेनरी जोस्ट और एरियल सुलमैन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म का निर्देशन करेंगी और क्रिस्टोफर योस्ट के मूल विचार के साथ जोस्ट को इन वर्क्स के साथ परियोजना के वर्तमान मौसेद पर भी काम करेंगे। मई 21 में ओवेन विल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी 25 मई 2021 को एटलांट जॉर्जिया में शुरू हुई। जून में माइकल पेन, वॉकर स्कोबेल, मोमेन तामडा, किस एल विलियम्स, ए बी जेम्स वेदरस्पून और केज कर्टिस सभी को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। जुलाई 2021 में जेसी विलियम्स खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। लोन ब्लफ्स ने स्कोर बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप इस वीडियो को देखते रहें।